वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर मॉइस में। तो सेल डचिप इवेंट आ चुका है यहाँ पे, और ये जो चीज़ें यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। और यहाँ पे जो आर्मर है वो 20 कलेक्ट करना है, यहाँ पे जो किंग का जो मतलब जैसे हेलमेट है थैनोस का वो 25, और 20 कलेक्ट करना है थैनोस की ब्लेड। ओके, और यहाँ पे आपको जैसे जैसे कलेक्ट करोगे वैसे वैसे रिवॉर्ड मिलेंगे। यहाँ पे है आर्टिफैक्ट चेस्ट सिलेक्टर, तो भाई बहुत अच्छा है था, लेकिन आर्टिफैक्ट चेस्ट है ठीक है। यहाँ पे गो साइड का आर्टिफैक्ट है कि नहीं, बट लक बाय चांस अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई लक के ऊपर है। फिर ब्लेसिंग शुरू है, और मेन रिवॉर्ड जो 100% होने पे मिलेगा वो है भाई अपना प्रीमियम कार्ड चेस्ट, ये भाई मेन रिवॉर्ड समझे। तो इसको कैसे कलेक्ट करना है और फास्ट कैसे क्लियर करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले आर्मर, आर्मर की लोकेशन क्या है मैं आपको दिखा दूँ। देखते कितना आर्मर मिलता है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, और कितना मिलता है, नहीं एक भी अभी मिला नहीं। ओके, तो एक छोटी सी टिप दूँ आपको, आपको ना यहाँ पे एजेंट में जाओ, या एजेंट ही दिख रहे हैं, एजेंट में जाओ। यहाँ पे आपको यहाँ देखो बोनस, बोनस में जाके ना यहाँ पे आपको इसको मैक्स करना क्या है, इंक्रीज आइटम एक्वायर चांस। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये जो परसेंट है ना 30% चांस बढ़ेंगे वो है डायमेंशन मिशन, एपिकॉस और डिस्पैच मिशन। ओके, तो यहाँ पे ये डिस्पैच मिशन और डायमेंशन मिशन का खेल है, तो यहाँ पे इसको मैक्स कर लेना है। या रिसेट करो गोल्ड तो कुछ, और इसको मैक्स कर लो। और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, एक और टिप है जो एकदम पीछे जाओ, और यहाँ पे आपको कम एनर्जी लगेगी। अगर आपके पास एनर्जी कम है तो यहाँ पे आपको बस लेवल 1 पे एंड मिलता है कि नहीं आर्मर, यहाँ पे भी हमको आई थिंक नहीं मिला है आर्मर। थर्ड टाइम ट्राई करते, तीसरी मरतबा मतलब 30 मरतबा ट्राई कर रहे हैं हम। ओके, ये 30 मरतबा हो जाएगा, एक भी आर्मर नहीं मिला, तो ये भाई ऐसा लगता है भाई बहुत हार्ड होने वाला है। यस, एक भी आर्मर नहीं मिला है। दूसरा है भाई यहाँ पे किंग, मैं बताऊंगा भाई ये आर्मर कैसा मतलब मिलेगा, भाई मिलेगा ऐसे थोड़ा हार्ड दिख रहा है बट मिलेगा। फिर जो इसका किंग का जो ऐसे हेड है मतलब अपना थैनोस का, डिस्पैच मिशन पर मिलेगा। डिस्पैच मिशन में जो भी आपका आसान सेक्टर लगता है आपको, जो भी अनलॉक है, पहला खेलना है पहला खेलो, या 7 का 1 खेलो जो आपके ऊपर अच्छा लगते हैं वो खेलो, और ऑटो रिपीट पर रखना। बट यहाँ पे यूज़ एनर्जी करना है, और जैसे मैं बोला एजेंट में ये बोनस आपको मैक्स करना है, इंक्रीज आइटम अक्वायर चांस। ओके, तो ये मैक्स करने के बाद एनर्जी यूज़ करना, एनर्जी यूज़ करके फिर आप ऑटो रिपीट पे रख दो, और यहाँ पे मिलने के चांस जैसे मैं बोला ठीक है बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो समझ जाओ अपने मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर यूज़ करना। पावरफुल कैरेक्टर याद है, आई रिपीट, पावरफुल कैरेक्टर ही यूज़ करना, और फिर आपका मतलब डिस्पैच मिशन जल्दी क्लियर होगा। अब एकदम लास्ट एंड जो भाई सब लोग को भाई दिमाग में होगा कि 20 हमको ब्लेड लेनी है। अब ब्लेड की लोकेशन क्या दिखा दे रहा हूँ, स्टोरी मोड। अब स्टोरी मोड देखो, यहाँ पे आप नॉर्मल, और नॉर्मल कौन सा बताऊँ, 7 का 3, ये 7 का 3 आपको खेलना है, जहाँ पे आपको किंग पिंग की बायोमेट्रिक्स मिलती है। यहाँ पे आपको ऑटो रिपीट पे रखना है, यस ऑटो रिपीट पे रखो, और यहाँ पे आप खेलो। और ये इतना छोटा सा मतलब एकदम जल्दी क्लियर हो जाता है ये जो 7 का 1 है, इसलिए मैं आपको खेल के दिखा दे रहा हूँ समझे। 7 का 1 बहुत फास्ट क्लियर हो जाता है, और यही चीज़ है भाई आपको जल्दी होगा। और एक और चीज़, अगर आपको कुछ कम पड़ गया, क्योंकि भाई इवेंट बहुत लंबा है, मतलब कम से कम 12-13 दिन है, मैं आपको बताऊँगा कब तक रहेगा इवेंट। देखो बहुत फास्ट ये क्लियर होगा, और यहीं पे अपने पावरफुल कैरेक्टर यहाँ पे भी यूज़ करना है। ओके, और यस ऑटो रिपीट पे मैं कहीं टच नहीं कर रहा हूँ, देख लो, और ये ख़त्म। देखो कुछ ही सेकेंड, मतलब 5-6 सेकेंड कुछ लगे ख़त्म होने में, ठीक है ये ख़त्म हो चुका। ओके, यहाँ पे कुछ मिल गया अपने को, और ख़त्म हो गया समझे। तो ऐसे ऑटो रिपीट पे रखते हो, उस हिसाब से आपको रखना है। अब ये देखो, ये जो इवेंट है ना, इसके ख़त्म होने का टाइम है भाई 19 दिन, बट रिवॉर्ड कलेक्ट करने का टाइम मेन रखता है भाई। रिवॉर्ड मतलब मटेरियल नहीं, आइटम्स। ये जो आइटम्स है ना थैनोस के, हेलमेट, आर्मर, ब्लेड, ये सब भाई 13 दिन, ओनली 13 दिन, 13 डेज कलेक्ट करना है, देख लो यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान देना है, 13 डेज के अंदर आपको ये सब कलेक्ट करना है। और यस थोड़ा सा 13 दिन है भाई, आप आराम आराम से कर लो, पहले एक एक चीज़ कलेक्ट करते जाओ। ओके ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ कम पड़ता है तो यहाँ देखो चेक इन इवेंट में ना ये टोकन मिले, रिवेंज टोकन। इससे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, आपको स्टोर में जाना है, मतलब इवेंट शॉप जो आई है वहाँ पर जाओ, और ये 7 दिन बाद मिलेगा जो टोकन है, और यहाँ से आपको जो कम पड़े, यस जब तक आपको कलेक्ट करना है, जो चीज़ आपको कम पड़े, या आपको हेलमेट कम पड़े, आर्मर कम पड़े, या ब्लेड कम पड़े, यहाँ से आप 10 ले सकते हो, मतलब 10 टोकन रहेगा, तो एक टोकन में एक मिलेगा, तो ये आप यहाँ से ले सकते हो अगर आपको जो चीज़ कम पड़े। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कम पड़ेगा वो डिस्पैच मिशन का सामान कम पड़ेगा, जो कि है भाई हेलमेट, जो कि 25 या किंग है, मतलब जो बोल रहे ना हेलमेट जैसा,
मतलब थैनोस का सर का जो बोले भाई मैं कब से हेलमेट ही बोल रहा हूँ ओके तो ये भाई आई थिंक कंपनी का डिस्प्लेन मिशन है 25 कलेक्ट करना जो सबसे ज़्यादा ये तो इसको आप ले सकते हो कहाँ से इवेंट शॉप से टोकन के बदले जो 7 दिन बाद हमको चेक इन इवेंट पे टोकन मिलेगा उससे हेलमेट ले सकते हो कम पड़ा तो नहीं तो लख लगा तो आपको मिलता है तो ठीक है ओके जैसे क्लियर करना था बता दिया और ये क्लियर हो जाएगा भाई मतलब बहुत बहुत जल्दी मतलब जल्दी बोल तो मैम 2 से 3 दिन तो लगेगा भाई क्लियर होने में समझ जाना एनर्जी यहाँ पे मैटर है भाई एनर्जी का खेल है एनर्जी अगर कम रहेगी तो टाइम भी लग सकता है एनर्जी आपके पास अच्छी भर भर के है और मिलते हैं तो ठीक है ओके तो यस 13 दिन है ये आइटम्स कलेक्ट करने को और इवेंट ख़त्म होने में भाई 19 दिन है अब जब आइटम ही कलेक्ट नहीं होगा तो भाई हम क्या करेंगे आइटम मेन रखता है मतलब यहाँ आइटम जो कलेक्ट करना है ना भाई वो 13 दिन का समय है फिर इवेंट कभी भी ख़त्म हो चाहे तो रहने दो जैसे 7 एनिवर्सरी का इवेंट है वो रहने दो समझ गए तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यस 13 दिन तक आपको ये मतलब एक एक करके कलेक्ट करो लोकेशन तो बता दिया भाई आर्मर आपको मिलेगा डायमेंशन मिशन से डिस्पैंड मिशन से आपको हेलमेट मिलेगा 25 कलेक्ट करना है और ब्लेड मिलेगी आपको स्टोरी मोड से 7 का 3 खेलना जहाँ पे किंग पिंग की पेमेंट्स मिलती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा ओके अब बेस्ट ऑफ लक आपको जल्दी मिल जाए और ये रिवॉर्ड में आपको क्या मिलेगा बता देना मेरे अब कंप्लीट होगा ना भाई मैं वीडियो बना दूंगा और एक और चीज़ यहाँ पे है भाई इवेंट मिशन यस थंबनेल में आप सिटी पे देखें ना आपको ना यहाँ 14 दिन डेली यस 14 दिन यहाँ आपको डेली क्लियर करना है आप फर्स्ट मतलब आप क्लियर करोगे तो भाई आपका हो जाएगा क्लियर मतलब फर्स्ट टाइम आपको खेलना पड़ेगा फिर आप डेली अपना जैसे मैं अभी क्लियर करूँ ना ऐसे आप क्लियर करो फर्स्ट टाइम आप खेलोगे तो आपको खेलना पड़ेगा मैच समझ गए और ऐसे आपको डेली 50 टोकन मिलेंगे ये जो टोकन है ये आपको 50 मिलेंगे और इसी टोकन से आपको CTP मिलने का चांस है इवेंट शॉप में देखो ये यहाँ से आपको CTP मिलने का चांस है आप देखो ये 70 टाइम आप ओपन कर सकते हैं और डेली 50 मिलेंगे तो आप खुद कैलकुलेशन कर दो 14 दिन मल्टीप्लाई 70 मतलब 50 मल्टीप्लाई 14 दिन तो समझ जाओ आप कि पूरा 700 टोकन हमको यहाँ मिलेगा तो मैं एक साथ खोलने की टिप दूँगा मतलब सवर का फल मीठा होता है तो यहाँ पे मुझे नहीं पता भाई मैं सवर कर रहा हूँ जो तो ये जो टोकन है भाई इस टोकन का फल मुझे पता नहीं CTP मिलती है कि नहीं तो मैं पूरा एक साथ खुलूँगा 14 दिन बाद तो आई एम वेटिंग पूरा मैं जमा करूँगा टोकन हर एक टोकन और CTP निकलते तो ठीक है नहीं तो कोई और मटेरियल रैंकअप टिकट भी निकल गई तो भाई मज़ेदार ओके तो ये जो कुछ इवेंट है जो अभी स्टार्ट हुआ जिसके ऊपर ध्यान दो और इवेंट कॉस्ट तो भाई चल रहा है वो उसको हम चल उसको कम्प्लीट करोगे मैं कम्प्लीट हो जाएगा भाई 5 दिन बाकी है 5 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा ओके यहाँ से आपको प्रीमियम कार्ड मिल रहा है और यहाँ पे CTP मिलने का चांस है बेस्ट ऑफ लक मिल गया CTP तो भाई बढ़िया बढ़िया एक एक करके खोलो आपके ऊपर है एक साथ खोलो वो आपके ऊपर है मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई आपके मन से मैं तो भाई मैं भैया बोलूँगा मैं एक साथ खोलूँगा मैं सबर कर रहा हूँ अब मुझे फल मीठा मिलता है या फिर कड़वा ये तो भाई 14 दिन बाद मुझे पता चलने वाला है ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉच वीडियो पसंद आई लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर देना कोई कमेंट करने से भाई थोड़ा आपसे बात करने का मौका मिल जाता है रिप्लाई कर देता हूँ दिल देता हूँ आपको ओके तो इवेंट अच्छे हैं घोर सारे का वीडियो भी आने वाला है घोर सारे को Tier 4 भी करने वाला हूँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिए और लाइक करने बोला था किए कि नहीं कौन कौन लाइक किया यार भूल गया कोई क्या प्लीज़ लाइक कर दो एंड तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।